क्लास 9 मैथमेटिशियंस, सारे के सारे मैथमेटिशियंस हो आपके, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने 12.1 की थी और होपफुली वो आपने कवर कर ली होगी। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला इन दैट वीडियो, कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 12.1 बेसिकली पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड थी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आवर एक्सरसाइज 12.2, जो कि एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, कि हीरोज फॉर्मूला को और कैसे यूज किया जा सकता है। यूज उसका ही रहेगा, मैनिपुलेट करेंगे उसको कि अलग अलग फिगर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने और इसको बीच में डिवाइड कर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बेस है 12.2 का कि हमें क्या करना है। तो देखो, अब इसके अंदर क्वेश्चन वाला बोलेगा आपको एरिया फाइंड आउट करो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, ये तो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल बन रही है इसके अंदर, ट्राइंगल ए बी सी एक तो और एक ए सी डी, दो बन रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का एरिया ऐड कर दूं, दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल, तो इक्वल टू में टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, ये वाला भी और ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल सी बात ये है, सपोज करो ये 3, 4, 5 गिवन है, 4, 6 सारी साइड्स गिवन है, तो ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। अगर हीरोन्स फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों साइड पता होनी चाहिए, पैरामीटर निकाल लेते हो और ऊपर वाले की पता है, तो दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके दोनों को ऐड कर देना है सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कुछ कुछ ऐसा ही मिलेगा उसमें आपको। देखिए क्या है स्टेटमेंट, रीड कीजिए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक कोई पार्क है जो ए बी सी डी की शेप में है, हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो सी के ऊपर है वो 90 डिग्री का है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम, सी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो कुछ इस टाइप से बना देंगे इसको। क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड से, ये सी के ऊपर हमने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। सारी साइड्स की बने, ए बी 9 मीटर है, ए बी ये वाली साइड 9 मीटर, बी सी 12 मीटर है, दिस इज 12 मीटर, सी डी 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, एंड ए डी इज 8 मीटर, दिस इज 8 मीटर। तो ऑल साइड्स आर गिवन, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाई, तो आपको ये बताना है कि इस पार्क ने कितना एरिया घेरा हुआ है, मतलब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क, ठीक है। ओवरऑल हमें ये करना है कि पार्क का एरिया निकालना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, सबके घर के आसपास पार्क होता ही होता है, तो उसकी अगर हमें डायमेंशन पता हो तो हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं ना। तो जो अभी बेसिक्स बताया था मैंने क्वेश्चन का, वही बन रहा है ना, उसी तरीके से सोल्व करेंगे हम इसको। तो यहाँ से ज्वाइन कर लो इसको, बीडी को ज्वाइन बीडी, और ये बीडी अपने पास नहीं है, ठीक है, लेकिन बीडी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इट मीन ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल एट सी, सी के ऊपर 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो यहां से देखो डी सी क्या बन गया, इसका बेस बन गया, ये बेस है इसका, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों साइड पता है, तो ये निकाल दो यहां से, बेस कितना आपका 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे वो 25 प्लस में 144 यानी कि 169 आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या आपका बी डी, मतलब बी डी स्क्वायर ये है, दिस इंप्लाइज बी डी क्या आ गया यहां से 13 मीटर। तो यहां पर हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गया, अब ये 13 मीटर है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो दो फॉर्मूले अपने मैंने आपको बताया था, तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेगा और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बताया था। तो यहां पर देखिए वो उस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं आप इसको, अगर ट्राइंगल के अंदर हाइट गिवन है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अलग बात है कि ये हीरोन्स फॉर्मूला से भी हो जाएगा,
क्योंकि आप हमें तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता होती है तो हम हीरोंस फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। बट वो लेंथ ही पढ़ रहा है और ये 90 डिग्री इट मींस ये हाइट है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहां पर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है डीसी, इंटू में हाइट क्या है इसकी डीसी, तो हाफ ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हाफ इंटू बेस है आपका फाइव और हाइट है ट्वेल्व, तो इसको सोल्व कर दो यहां से 630 मीटर स्क्वायर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, पार्क का एरिया निकालना है, और टोटल एरिया क्या बनेगा इस पार्क का, देखो एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी इज इक्वल टू कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, यही बेसिक्स में किया हमने, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया मैं ऐड कर दूं तो आपको पूरे पार्क का एरिया मिल जाएगा। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, उसमें तो हीरोंस फार्मूला लगाने की नीड भी नहीं पड़ी क्योंकि हाइट भी वन थी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से डायरेक्टली होगा। अब बात करते हैं नीचे वाले ट्राइंगल की, यहाँ पर कोई भी 90 डिग्री नहीं है बट तीनों साइड्स आपको पता है, ये साइड कॉमन है ना, तो ए बी डी के अंदर ये साइड रहेगी, तीनों साइड पता है तो हम इजिली हीरोंस फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो लगाएंगे ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इससे निकालेंगे हीरोंस फार्मूला से, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, बी है आपका 9 एंड सी है 13 मीटर में सारे, तो एस निकाल दो यहां से, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2 कितना बन गया 15 आ रहा है, 15 मीटर 30/2 15, ठीक है। ये तो आपका आ गया एस, अब देखो यहां से एस भी पता है, ए बी सी तीनों साइड्स भी पता है, तो हीरोंस फार्मूला सॉल्व कर देंगे इसको, अंडर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए यानी 15 माइनस 8, एस माइनस बी यानी 15 माइनस 9 और एस माइनस सी, ये तो इसको सोल्व कर रहे होंगे, 15 इंटू में यहां से क्या है 7, यहां से 6 और यहां से 2, ठीक है। अब वही पेयर बनाने, जिसका फैक्टर कॉमन बन रहा है उसको बाहर निकाल देंगे बाकी अंदर रहेगा, तो यहां से देखो भाई रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 7 एज इट इज, 6 × 2 × 3 और इंटू में 2। अब चेक करो किस किस का पेयर बन रहा है, देखो 3 का पेयर बन गया है तो 3 तो बाहर रूट से, 5 का पेयर नहीं बना है तो 5 अंदर, 7 का पेयर नहीं बना है तो 7 अंदर, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, इट मींस ये आपके पास आ गया 6√35, ठीक है। तो ये तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और 30 वाला इसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो आप, वैसे ऐसा वैसा भी सोच सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करके 30 + 6√35 इट कैन बी योर आंसर, और इसको सिंपलीफाई करना है √35। देखिए अगर √36 होता तो आप डायरेक्टली बताते थे 6 होता है, ठीक है, लेकिन ये √35 है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इट मींस क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट फाइंड आउट करना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर तो आप इजीली निकाल सकते हो लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके लिए वीडियो मिलेगी आपको चैनल के ऊपर इसी लाइन से, नोट कर लीजिएगा ये कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसमें शॉर्टकट बता रखा है। वैसे लेंथी मेथड आपको आता है जो क्लास 8th में आपने पढ़ाई है डिवीजन मेथड, इससे निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है, इस नाम से वीडियो ढूंढना है वहां पर, इसका शॉर्टकट मिलेगा, बड़ी इजीली हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे 6 × 5.91 बन जाएगा, जब आप उससे सोल्व कर रहे होगे तो ये बन रहा है भाई मल्टीप्लाई करके 35.4 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, तो 35.4 है और 30 है, यहाँ पर ऐड कर दो 35.4, इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली ऐसा ही रहेगा कुछ कि आपको कोऑर्डिनेटर गिवन है, दोनों का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दिया, वो डिपेंड करता है, अगर 90 डिग्री गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, बट अगर नहीं गिवन है तो हीरोंस फार्मूला के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो वीडियो है ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर ढूंढ सकते हो आपकी मर्जी।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी, ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल। साइड्स देखो, एबी 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर है, सीडी 4 सेंटीमीटर है एंड डी ए 5 सेंटीमीटर है, और एक और दे रखा है एसी, एसी यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना क्वाड्रिलेटरल का, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो आपको ये बेसिक्स ही लगाना है। इसके अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी ये ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ऊपर वाला एडीसी। मतलब क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया कवर हो जाएगा यहां से। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो, तीनों साइड्स पता है, तो हीरो स्पून लगाएंगे यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो एस लगाओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तीनों साइड पता है, डिवाइड बाय टू, कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एस निकल गया और हीरो स्पून पुट कर दो, एस पता है, एस माइनस ए यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो सोल्व करेंगे इसको, ये बन गया यहां से 3, यहां से 2, यहां से 1। पेयर देखो किस किसके बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो ये तो सीधा 36 बन रहा है, और 36 का रूट क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, अब दूसरी का निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इसके लिए देखेंगे यहां पर तीनों साइड्स आपको पता है, तो वही हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पर भी, अंडर रूट ऑफ, पहले तो एस निकालो, व्हाट इज एस, तीनों साइड एक तो ये कॉमन ही है दोनों में, क्योंकि ये साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है ना, तो 4, 5 और 5 ये तीन साइड है इसकी, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये 7 सेंटीमीटर बन गया यहां से। ठीक है, अब एस पता है तो फॉर्मूला में पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बन गया, यहां से सोल्व करोगे अंडर रूट ऑफ 7 इंटू ये बन गया 3, यहां से 2 और यहां से भी 2। ठीक है, अब पेयर किस किसका बन रहा है, यहां से 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 तो बाहर निकाल दो भाई, अंदर पेयर नहीं बन रहा, तो 7 3 21। अब ये फिर से नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, इसलिए वो वीडियो ध्यान से देख लेना, बड़ी इजीली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाओगे आप। तो अब क्या करना है, दिस प्लस में दिस विल बी योर फाइनल आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, लेंथी क्वेश्चन है और हॉट क्वेश्चन है, ये एरोप्लेन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट के एरोप्लेन तो बंद हो रहे हैं लेकिन अपना चल रहा है और अपना रुकेगा भी नहीं, उठता ही रहेगा। देखो क्या करना है, इसके अंदर पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो इसके अंदर डिवाइड कर रखा है फिगर्स को, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब टोटल 5 फिगर्स है। स्टेटमेंट पढ़िएगा, राधा एक पेपर का यूज करती है एरोप्लेन बनाने के लिए, तो इसका टोटल एरिया निकालना है। तो पहली बात तो टोटल एरिया ओवरऑल निकलेगा कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। 5 पार्ट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों को ऐड करेंगे हम, पहले पांचों का एरिया निकालेंगे, अगर पांचों को ऐड कर दे तो टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपको करना ही है। तो फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर सेकंड थर्ड हर एक का अलग अलग निकालेंगे और सबको ऐड अप कर देंगे। तो फर्स्ट फिगर इसमें देखिए कौन सी है, फर्स्ट का निकालते हैं, ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको क्या चाहिए, तीन साइड चाहिए, देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये थर्ड कितनी है, ये पार्ट इसकी इक्वल है ना, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि सेकंड जो है रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, साइड क्या क्या है 5 5 और थर्ड क्या है 1। तो हीरो फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर, एस निकालेंगे यहां से, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी क्या आ गई 11 बाय। ठीक है, हीरो फॉर्मूला से सोल्व कर दो इसको, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी,
ये बन गया भाई यहां से। तो इसको सोल्व करेंगे 11 बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 1 बाय 2 आ रहा है, 2 एलसीएम लेना ये बचेगा 1 बाय 2। यहां से क्या है, यहां से 1 बाय 2 आ रहा है और यहां से क्या आ रहा है 1 नहीं है 9 बाय 2। मतलब ना कैसे आ रहा है एक करके दिखा देता हूँ, रफ में 11 बाय 2 माइनस 1 है तो 2 एलसीएम लोगे 2 1 जा 2 तो कितना बचा 9 बाय 2 इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वही काम करना है जिसका पेयर बन रहा है पेयर बनाओ, बाकी बाहर। टू का देखो पहले डिवाइड में है, एक टू यहाँ से एक टू यहाँ से, तो डिवाइड में तो डिवाइड में जाएगा, एक टू तो इसके काटना है और एक टू इसके काटना है, ये बना लो। ठीक है, 11 इंटू में 9 तो 11 तो अंदर, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, 9 मतलब 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, तो ये क्या बना है यहाँ से 3 बाय 4 अंडर रूट ऑफ 11। अब फिर आ गई नॉन परफेक्ट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट है नॉन परफेक्ट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये जरूरत पड़ गई है, जरूर देखना वीडियो। 3 बाय 4 क्या होता है 0.75 और ये रूट 11 जो सोल्व कर रहे हो यार तो 3.31 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये बन रहा है 2.487 कुछ बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। तो फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल दिया भाई हमने सिर्फ इसका, ऐसे ही अब सेकंड का निकालेंगे। सेकंड फिगर देखो क्या है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, दिस इज योर सेकंड फिगर और रेक्टेंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 6.5 और ब्रेथ क्या है 1, तो एरिया क्या जाएगा 6.5 इनटू में 1। व्हाट इज, तो यहां लिखते हैं हम सेकंड फिगर जो कि है रेक्टेंगल, एरिया होता है एल इनटू बी, लेंथ तो है 6.5 और ब्रेथ है 1, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस भाई, फर्स्ट फिगर का निकल गया, सेकंड फिगर का निकल गया। थर्ड फिगर पर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड फिगर आपकी ट्रेपीजियम, तो अब हम ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करेंगे। थर्ड के लिए फिगर है ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाँ बोला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बॉलर हाफ इनटू ए प्लस बी इनटू एच, हाँ ये वो भी क्या होता है साइड्स होती है, हाफ इनटू सम ऑफ साइड्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर और इनटू में हाइट, ये होता है हाफ इंटू में सम ऑफ साइड्स इंटू में हाइट। तो ये जो थर्ड फिगर है ना इसकी अलग से ड्रॉ कर लेते हैं हम ट्रेपीजियम की, ये फिगर है इसकी साइड्स देखो क्या क्या है, ये है 2, ये 1 है और यहां से भी 1 है और ऊपर वाली की क्या है 1 है, तो ये भी 1 है। तो देखो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है 1 है और 2 है, तो पुट कर दो फॉर्मूले में हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स बना 1 प्लस 2 इंटू में हाइट, क्या हाइट पता है नहीं पता है तो हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी हाइट निकालने के दो तरीके हैं, जो उनसे वाला इजी रहेगा उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने यहां पर, अब देखो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो फिगर है एक पैरेललोग्राम बन गई, तो ये 1 सेंटीमीटर है पोस्टर। यस भाई यहां से देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, मेन काम है अपना ये हाउ टू फाइंड दिस हाइट। हाइट कौन सी बनेगी ट्रेपीजियम की, ये हाइट होती है ये ले रही हूं मैं, मतलब ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है और उसका काम ये। और इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब ये जो लास्ट फिगर ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा। तो यहां से देखिए भाई ये 1 है तो इतना क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर बन गया यहां से यहां। ठीक है, क्योंकि अब ये पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये 1 है तो ये कितना बन गया 1। अब देखो टोटल साइड कितनी थी 2, ये कितनी बन गई 1, बची कितनी 1, तो वो 1 कौन सी है ये 1, समझ में आई बात, टोटल साइड है 2, 1 तो इसने ले लिया यहां तक तो कितनी बची 1 बची, तो 1 ये बनी। अब ये जो ट्राइंगल है ना ये इसको अलग से बना रहा हूं मैं, जो ये हमने यहां पर ड्रॉ कर रखी है ये बनी है ट्राइंगल, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये 1 है ही और ये नीचे भी 1 है, तो ये तीनों साइड बन गई है यहां से। अब
ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ये तो अपोजिट साइड को पैरेललोग्राम आ रही है, तो ये वन था, ये भी वन, ये वन है, ये भी वन, तो ये जो ट्राइंगल ना सिर्फ इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये हाइट, ठीक है। आप देखो इसके अंदर हाइट है, इट मीन्स इसका एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके हाइट का यूज आ गया। तो यहां से देखो भाई, बेस क्या आपका वन है, हाफ इंटू बेस, बेस है वन, फिर बात हाइट पर आ गई, हाइट पता तो नहीं है, तो निकालेंगे कैसे, और क्या कर सकते हैं हम इसके हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, क्योंकि तीनों साइड्स का हमें पता है, तीनों साइड्स पता है तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो लगाएंगे वही वहां पर। तो एस निकालो पहले, वन प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यानी एस की वैल्यू आ गई आपकी थ्री बाई टू, तो एरिया निकालो यहाँ से अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू इंटू में थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू माइनस वन और थ्री बाई टू माइनस वन, अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या बना देखो यहाँ से अंडर रूट थ्री बाई टू, ये क्या बनेगा थ्री बाई टू माइनस वन, टू एलसीएम लोगे तो वन बाई टू, ये भी वन बाई टू है और ये भी वन बाई टू है। या फिर एक तरीका और माइंड में आ रहा है वो भी कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही है, रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर, वो लगाओ ना, उससे वो शॉर्टकट होगा, इससे भी जल्दी होगा, तो इसको भी रहने दो, इक्विलेटरल का लगाते हैं, क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इट मींस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया जो कि होता है रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर, और साइड क्या है वन, तो रूट थ्री बाय फोर इंटू में वन, यानी कि ये जो निकल गया है ये एरिया आ गया है इस ट्राइंगल का, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी तो एरिया ही है इस ट्राइंगल का, इट मीन्स ये भी एरिया और ये भी एरिया, तो दोनों एरिया यानी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एरिया है और दो अलग अलग एरिया तो एक ट्राइंगल के हो नहीं सकते, तो ये भी एरिया और ये भी एरिया, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल, यानी इसके इक्वल में क्या आ जाएगा रूट थ्री बाय फोर, होपफुली समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला एरिया और ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन है तो एरिया ही, यानी दोनों इक्वल होगी, तो रूट थ्री बाय फोर और ये दोनों इक्वल। अब यहां से हम एच फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टू डिवाइड ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर, टू डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई में, इसे काट दो, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से रूट थ्री बाय टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है हाँ। तो थर्ड फिगर का एरिया निकालने के लिए मेन चीज थी हाइट की, और वो हाइट हमने फाइंड आउट कर दी है, तो ये एच कहाँ पर पुट करोगे आप इधर, तो थर्ड का एरिया क्या आ रहा है ये हाफ इंटू में वन बाय वन प्लस टू थ्री हो गया, और हाइट कितने निकालनी है रूट थ्री बाय टू, इसको सॉल्व कर दो, ये बना थ्री रूट थ्री बाय में फोर, ठीक है। आप फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.73 कुछ होती है, तो थ्री बाय फोर इंटू में 1.73, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी फिगर का आ गया ये थर्ड का, फर्स्ट होगी सेकेंड होगी थर्ड होगी, अब बची फोर्थ और फिफ्थ। अब फोर्थ और फिफ्थ इसे ये बताओ मुझे, जो प्लेन होता है एरोप्लेन उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये जो विंग्स होते हैं इधर जितना होता है इधर भी इतना ही होता है, इट मीन्स एक का एरिया निकालो वो इसकी इक्वल ही होगा दोनों का, मतलब इसका निकाल के उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एड कर दो, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ का काम करें इधर विजिबल है ना सबको, क्या कर देते हैं फोर्थ में देखो क्या आएगा, जैसे भाई फिगर कैसी है ट्राइंगल है, और कैसी ट्राइंगल है देख पा रहे हो आप, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री बन रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, तो ये बनेगा हाफ इंटू बेस क्या है 1.5 और हाइट क्या है 6, तो सॉल्व कर दो इसको, ये बना 3, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सी फिगर का आया है फोर्थ का आया है, और फिफ्थ का भी यही बनेगा, वो ऐड कर दो इसको, यानी कि ये फोर्थ प्लस फिफ्थ का हो गया 4.5 प्लस में 4.5, यानी कि आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी सारी फिगर हो गई, अब आपकी सबको क्या कर देना है ऐड कर देना है, फर्स्ट फिगर कौन सी थी ट्राइंगल उसका एरिया, सेकंड फिगर क्या थी रेक्टेंगल एरिया ये रहा, थर्ड फिगर ट्रेपीजियम एरिया यहाँ से आएगा, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है एरिया ये रहा, यानी आप सबको क्या कर दो ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। This is the question. Pause the video. Note it down.
Let's move to question number 4. देखिए गाइस के अंदर a triangle and parallelogram have the same base and same area. एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है. अब अगर ये पैरेललोग्राम की इट मींस गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ये पुट कर दिया बेस इनटू हाइट. और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे बाय किलोन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है. ठीक है, अब चेक करो एक चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैव सेम बेस, बेस भी सेम है, दोनों सेम बेस है. एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो पैरेललोग्राम का बेस है 28, तो यहां पुट कर दो 28 इनटू h, मतलब सॉल्व करके आपको ये h निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों का बेस 28 है, तो एक साइड 29 की जगह हम क्या ले लेंगे, 28 ले लेना है हमें, क्योंकि बेस दोनों का सेम है. तो तीन साइड ये बन गई 26, 28 और 30. मतलब अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करना चाहो तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम का बेस है 28, ये तो 28. ठीक है, साइड्स का क्या है, 26 और 30, मतलब एक 26 बन जाएगी और एक 30 बन जाएगी. कुछ इस तरह से हम इसका फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, अब हमें तीनों साइड्स पता है तो एरिया फाइंड आउट करेंगे हम इसका. एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में टू, तो ये कितना बना है 484 बाय 2 यानी कि 42. चेक कर लो ये बन रहा है, 4 बन गया. ठीक है, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर दो. एस इन टू में ये है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सॉल्व कर रहे होंगे हम इसको, तो ये बने यहां से 42, कितना बचा है 16, इधर से 14 और यहां से 12. तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको सीधा ही बाहर निकालो, रूट 16 तो 4 होता है, जो अंदर बच गए उसके पेयर बना दो, 22 42 के बना दो, 2 पे गया फिर 3 पर फिर 7. ठीक है, 14 पे 2 इंटू 7 और 12 के 2 इंटू 3 इंटू 2, अब पेयरिंग कर दो, 2 देखो कितने 1 2 3 4, 4 दो है यानी कि 2 बाहर आ जाएंगे, और 2 बाहर आकर इसको क्या बना देंगे, 16 बना देंगे ना, 4 तो ऑलरेडी है, 1 2 तो यहां से है और 1 2 यहां से है, तो ये बन गया. 3 चेक करो, 3 का पेयर बन रहा है, बन रहा है 1 3 बार, 7 चेक करो, 7 का पेयर बन रहा है तो 1 7 बार, सारी बार आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई यहाँ पर पुट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल पर कितना बन रहा है, 16, ये बन गया 4 2 8 16 48 7. ठीक है, हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये 28 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, सोल्व कर दो इसको, दिस इंप्लाइज 48 7, ये पूरी कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि इससे काट देंगे, ये 28 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड में और यहाँ से क्या है एच, तो ये काट दो, यानी एच की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. ओवरऑल ये क्वेश्चन था, बहुत जरूरी. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिए इसमें क्या है, अ रोम्बस शेप फील्ड, एक रोम्बस शेप फील्ड है, पहले वो ही बना, जितनी स्टेटमेंट कवर होती जाए उतनी करते जाओ, तो क्या बोलता आगे, इफ द लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर हाउ मच ग्रास विल ईच काउ विल बी गेटिंग, एक काउ को कितना ग्रास चरने को मिलेगा. ठीक है, टोटल ग्रास आया हुआ है 18, तो क्या करोगे, देखो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और टोटल एरिया बाय में नंबर ऑफ काउस, टोटल एरिया अपॉन में नंबर ऑफ काउस, क्या आ जाएगा, काउ पर हेड, मतलब एक काउ कितना ग्रास चरने को मिलेगा. तो हमें ये तो गिवन है 18 काउज है, तो
तो टोटल एरिया निकाल देते हैं यहाँ से। टोटल एरिया के लिए देखो क्वाड्रिलेटरल ही है, और क्वाड्रिलेटरल में एरिया कैसे निकलता है, ये एरिया प्लस में ये एरिया, ठीक है। तो साइड देखो 30, 30, 48, ऊपर वाले की साइड ये है और नीचे वाले की चेक करना 30, 30, 48, ये बन रही है, यानी ये तो दोनों सेम होगी। तो क्या दो अलग अलग निकालोगे, नहीं, एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि रोम्बस का जो रोम्बस के अंदर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं और दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकालो इसका भी एस निकालेंगे पहले 30 + 30 + 48 डिवाइड बाय 2, ये कितना बना यहाँ से 108/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 54 मीटर एस। अब हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, एस इंटू s - a, s - b, and s - c, ये बना। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 54 इंटू में कितना बचाएगा 24, ठीक है। यहाँ से भी 24 और यहाँ से 6, अब इनके पेयर बनाओ। ये तो देखो एक पेयर बन गया, दो है तो एक 24 को बाहर निकाल, ये करते हैं ना हम जब दो हो तो एक को बाहर निकाल देते, तो अंदर बचा आपके पास 54 इंटू में 6। अब इनके बना लो, 54 के बनेंगे आपके ये बन रही है, ठीक है, और 6 के वो इंटू में 3। तो यहाँ से पेयरिंग उठाओ, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और 2 का भी पेयर ही बन गया, सारे पेयर यानी सारे बाहर। तो बाहर तो 24 था, एक 2 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से और एक 3 इनमें से। अब यहाँ से देखो ये जो एरिया आ रहा है ये एक का आ रहा है और टोटल कितना है 2, मतलब ये जो बनेगा इसको एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक का एरिया और हमें 2 का निकालना था, तो एक 2 और लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, तो 24 2 = 48 और 3 3 = 9, 48 × 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहाँ पुट कर दो 48 × 9, एक 2 और आ रहा है एक्स्ट्रा, यानी 24 × 2 यानी क्या आ गया 48, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, उसकी फिगर देखिए बुक में क्या गिवन है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस, एक अम्ब्रेला बनाया गया स्टिचेस मतलब सील करके 10 ट्राइंगुलर पीस है उसके अंदर ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, और 2 कलर है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 10 ट्रायंगुलर और 2 डिफरेंट डिफरेंट कलर है, यानी 5 × 5 के हिस्से आएंगे, क्योंकि ईच पीस लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच पीस मेजरिंग डायमेंशंस गिवन आपको 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड अगेन 50 सेंटीमीटर। तो पूछा हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, कह रहा है हर एक कलर के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो टोटल 10 है और 2 कलर है, तो 5 और 5 भी बन जाएंगे ईच कलर। फर्स्ट कलर में 5 ट्राइंगुलर बेस है और सेकंड में भी 5, तो हम एक का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो तीनों साइड्स पता है, तीनों से लगाना सिंपल है, एस इज इक्वल 20 + 50 + 50 डिवाइड बाय 2, कितना बनेगा 120/2 यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका सेमी पैरामीटर आ गया यहाँ से। तो हीरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, 60 × 60 - 20, 60 - 50 and again 60 - 50, ये बना लो यहाँ से। तो इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे हम, 60 × ये बना 40, यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, बट 10 का पेयर बन रहा है, तो 10 को बाहर ले आओ और अंदर वालों के फैक्टर बना दो, इसके बनाओ 2 × 3 × 5, पूरे नंबर 2 और करोगे 5 × 10 = 30 और 2 = 60 बन गया। 40 के बना दो 2 × 2 × 10, ठीक है, या इसको भी 10 रख सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है जैसे बनाना चाहो, 10 ताकि सेम बन जाए, और ये तो बाहर जा चुका, यहाँ से देखो 10 का पेयर भी बन गया, तो 10 तो बाहर था, एक 10 उड़ा गया, 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 बाहर, इनका कोई पेयर नहीं बना, यानी अनरूल क्या बचा यहाँ पर 6, तो ये कितना बनाया 100 √6 cm², ठीक है। ये आ गया 8 ट्राइंगुलर का एरिया, और कितने ट्राइंगुलर है, 2 कलर है, 5 5 दोनों के हिस्से में आएंगे, तो
फर्स्ट कलर का एरिया क्या बन जाएगा, क्या पूछा इसमें, हाउ मच ग्रोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट कलर एरिया आपका 206 और कितने हैं फर्स्ट कलर में 5, तो क्या बन गया 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट कलर का आ गया। और सेकंड में भी कितने 5, तो उसका भी क्या आ जाएगा ये, मतलब ईच कलर को इतने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन 6, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स बताता हूँ। आपने क्लास 8 में पढ़ा है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए अगर साइड है, ए अगर साइड है तो उसका एरिया क्या बनेगा ए स्क्वायर। जैसे अगर साइड 8 हो तो साइड इंटू साइड यानी 8 इंटू 8 64 होता है, साइड ए हो तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर होता है। ठीक है, जब साइड गिवन होती है बट व्हाट हैपन व्हेन डायगोनल इज गिवन, मान लो ये डायगोनल गिवन है ए आपको साइड नहीं दे रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जब डायगोनल गिवन, जब डायगोनल आपको गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये बन जाता है हाफ इनटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, अगर साइड गिवन है तो साइड का स्क्वायर, बट व्हेन डायगोनल इज गिवन तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, जब भी डायगोनल अगर आपको गिवन है स्क्वायर के अंदर तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर। नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, नीड पढ़ने वाली है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें डायगोनल आपको गिवन है। 7 की फिगर देखिए, जब अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक काइट गिवन आपको तो कि स्क्वायर की शेप में इस टाइप से विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, एक डायगोनल उसका 32 सेंटीमीटर है कौन सा आगे नहीं पता, एंड एन आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस, बेस में एक आइसोसेलस ट्राइंगल गिवन है 8 सेंटीमीटर जिसके बेस जो है 8 सेंटीमीटर है एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, आइसोसेलस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होगी और वो ईच वाली मतलब इक्वल वाली कितनी गिवन है 6। इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेप्स, 3 डिफरेंट शेप्स में बनाना है इसको और 3 डिफरेंट शेप जो है आपकी फिगर में गिवन है बुक के अंदर, शायद डायगोनल इस टाइप से गिवन है उसमें। तो दो पार्ट है इसमें स्क्वायर के, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑब्वियसली दोनों इक्वल होगी स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, टोटल ओवरऑल क्या निकालना है इसके अंदर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज बीन यूज्ड इन इट, कितना पेपर यूज्ड हुआ है स्क्वायर बनाने में और ट्रायंगल बनाने में, दो चीजें निकालनी है। तो स्क्वायर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, हाफ इंटू में डायगोनल कितना गिवन है 32, तो 32 का स्क्वायर यानी कि ठीक है ये काट दो यहाँ पर 16 में जाएगा, ये बन गया यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है टोटल स्क्वायर का एरिया आ गया आपके पास इस पूरे स्क्वायर का, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से 512/2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच पार्ट का निकाल दिया हमने स्क्वायर का, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, अब क्या करना है जो नीचे ट्राइंगल बनी हुई है आइसोसेलस ट्राइंगल उसका निकालो, 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स पता है हमें 6, 6, 8, तो जब तीनों साइड्स पता हो तो भाई हीरोन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो ना, तो वही अप्लाई करना है इसमें, तो एस निकालेंगे पहले इसका, एस इज इक्वल टू 6 + 6 + 8 डिवाइड में 2, तो ये क्या बन रहा है यहाँ से 10 बन रहा है सेंटीमीटर, एस की वैल्यू आ गई है, आप क्या करोगे हीरोन्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, एस है आपका 10, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे क्या बन जाएगा ये बना 4 × 4 × 2, 4 का पेयर बन रहा है, बाहर लेकर आओ इसको, 10 के फैक्टर बनाओ 2 × 5 और 2 है इट इज, तो 2 का भी पेयर बन गया उसको भी बाहर ले आओ, 2 बाहर आएगा तो 4 × 2 = 8 बन जाएगा √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आइसोसेलस ट्राइंगल थी नीचे वाली पार्ट उसका एरिया तो ये आ गया, और जो ये दो पार्ट बन गए फर्स्ट और सेकंड दोनों का कितना कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसमें क्या है, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर, फिगर आपको गिवन है बुक में, एक फ्लोरल डिजाइन फ्लोर के ऊपर कोई डिजाइन बनाया हुआ है, इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, उसके अंदर 16 टाइल्स लगी हुई है, विच आर ट्राइंगुलर, जिनकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर बीम, उनकी जो साइड्स गिवन आपको वो गिवन है, ए वन यानी 9 सेंटीमीटर,
पी की वैल्यू मान ले यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और सी जो है वो 35 सेंटीमीटर, ये साइड सी वन और ट्रायंगुलर शेप है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है वो पॉलिश करने की, कब, जब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए खर्चा आता है, 50 पैसे, ठीक है, यानी हर एक सेंटीमीटर पर आधा रुपए लग रहा है और टोटल टाइल्स कितनी है 60। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक टाइल का एरिया निकाल देते हैं और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल टाइल 16 है ना, तो 16 से टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल एरिया आ जाएगा। और उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। पहला काम तो क्या है, 16 टाइल्स का एरिया निकालना है, तीनों साइड्स आपको पता है तो यहाँ से फाइंड आउट कर दो, इनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, कितना बन रहा है 44 72 बाय 2, ठीक है, यानी 36 सेंटीमीटर आ गया, ये बनाया यहाँ से 44, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे अब, अंडर रूट 36 इंटू 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, ये बना लिया यहाँ से, तो अंडर रूट 36 एज इट इज, ये कितना बना यहाँ से 27, यहाँ से 8 और यहाँ से 1, तो फैक्टर बनाओ यहाँ से भी, जिसके पेयर बन रहे उनको बाहर निकाल दो, इनके सभी को फॉर्म कर लेते हैं ना, 3 से जा रहा है ये, 3 जन 9, 9 4 जन 36, 3 जन 9, 3 जन 27 और 4 2 जन 8, 4 स्टार्टिंग में खुले रहेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 का ये पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, 4 का पेयर बना, इस 3 और 2 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बना वो बाहर निकल, ये 3 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, एक 4 बाहर, तो अंदर जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 ये बनना ना, 1 3 यहाँ से बाहर, 1 3 यहाँ से 4 बाहर, और इस 3 का और 2 का पेयर नहीं बना तो 3 2 6, तो ये कितना बन गया यहाँ से 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रूट 6 की वैल्यू क्या होती है, फिर उसी का चक्कर आ गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, तो वीडियो में डालेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रूट 6 की वैल्यू 2.4 समथिंग होती है, ठीक है, क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 होता है, तो रूट 6 यानी उससे कुछ बढ़ाया जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बन रहा है 88 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक टाइल का एरिया है और टोटल टाइल कितनी है 60, तो लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल टाइल्स इज इक्वल टू 88 पॉइंट जो भी आएगा वो इंटू में 16 करते, ठीक है, ये टोटल टाइल का एरिया है। आप बढ़ते आगे, तो ये एरिया ऑफ टोटल टाइल बन गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, तो देखो यहाँ से 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा, क्या लिख सकता हूँ 0.50 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये जो भी आ रहा है यहाँ से इसको क्या करोगे 0.50 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये जो आ रहा है ना इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 0.50 से, तो दैट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइल्स। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9, क्या इसमें देखिए, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, पहले तो बात है वो ट्रेपीजियम शेप फील्ड है, तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं, दिस इज अ ट्रेपीजियम, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है इसमें, तो देखिए हूज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर, ये 25 है और ये 10 है, ठीक है, जो बड़ी है वो 25 और ये 10 मीटर पैरेलल साइड्स, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 14 है और 13 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये वो क्वेश्चन बन गया है जो काइट वाला क्वेश्चन था, सॉरी जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट नीचे ट्रेपीजियम था, वहां भी मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन आएगा, तो ये वो सेम क्वेश्चन बन गया है यहाँ से, इसका एरिया निकालना है, तो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब 10 प्लस 25 और इंटू में क्या होता है हाइट, तो वहां पर भी हाइट नहीं गिवन थी, हमने हाइट फाइंड आउट की थी
तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन बन रहा है, हाइट नहीं गिवन है, हाइट हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो, जो पैटर्न वहां पर हमने यूज किया सेम यहाँ पर लगाएंगे। देखो आप 25 है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल, ये 10 है तो ये भी कितना बन गया, यहाँ से 10 बन गया, तो टोटल 25 है, ये 10 तो ये तो 10, तो टोटल 25 ये 10 तो ये कितनी बची, 25 में से 10 घटा दी, हाँ तो 15 बची भाई, टोटल 25 10 इससे ले ली तो 25 में से 10 गया, ये कितनी बची 15। अब देखो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, ये 14 तो ये भी कितनी बनी 14। जिसको एरोप्लेन का थर्ड पार्ट समझ में आ गया ट्रेपेजियम वाला, उसको यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ये बनेगी भाई यहाँ से, तो तीनों साइड पता है 13, 14 और 15, एरिया निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का बाई हीरोन्स, और किससे निकलेगा, जब हाइट पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है ना, जब हमें हाइट पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक दूसरे वाला ये हीरोन्स वाला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो दोनों चीजें इक्वल होंगी क्योंकि है तो एरिया और सेम ट्राइंगल का है, तो एरिया का हम किसी भी फॉर्मूले से निकाले आंसर तो वही आए, इट मीन जो आंसर ये देगा वही ये देगा, बट इसमें हमें हाइट नहीं पता है, मेजर करनी है, लेकिन बेस तो पता है 15, तो बेस की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 15, और एच हम निकालेंगे कब, जब ये वैल्यू आएगी इधर पुट कर देंगे, तो ये निकाल दो आप साइड से आपकी 13, 14, 15, तो एस क्या बन जाएगा यहाँ से 13 + 14 + 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एस की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ से 42/2, यानी एस आ गया यहाँ से आपका 21 मीटर बन रहा है ना, तो एस पता लग गया, फुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बन गया भाई यहाँ से, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 21 × 8 बना, ये 7 बना, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से फैक्टर बना दो, 21 के क्या बने 3 × 7 8 के 2 × 2 × 2 7 एज इट इज, और 6 का 2 × 3 जिसका पेयर बने बाहर निकाल, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, 7 का भी पेयर बन गया 7 बाहर, इस 2 का पेयर बना ये 2 बाहर, और इस 2 का भी पेयर बन गया तो ये भी बाहर, यानी कि सारे के सारे पेयर बन गए, ठीक है। हाँ तो ये क्या बनाया इसे 84 cm² आ गया, ठीक है 81 बन गया, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसके इक्वल पुट करोगे, तो ये भी एरिया और ये भी एरिया, तो 84 यहाँ पर पुट किया, तो सोल्व करके यहाँ से कैलकुलेट कर दो, एच की वैल्यू निकाल दो, 2 डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 15 नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप फॉर्मूला इधर, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, और ये एच की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इधर पुट कर दोगे, तो इसको कैलकुलेट करके दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसको सोल्व करोगे आप रफ में, तो ये आ रहा है आपका 11.2 आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बना हाफ इंटू में ये 35 हो गया, और एच की वैल्यू क्या निकाली अभी 11.2, यानी कि डिवाइड में 10 लगा दो सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करो यहाँ से, ये बना, तो ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आ रहा है 1960 डिवाइड में 10, यानी कि क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज फाइनल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये था आपका चैप्टर 12 बेसिक्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो फॉर्मूले मैंने बताया वो, तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12, होपफुली आपको समझ में आया होगा, पहले वीडियो पूरा देखिएगा फिर उसको नोटबुक में करिएगा, ठीक है।